आप लोग तो जानते हैं कि जिस महफिल में दोस्त होता है वहाँ एक दुश्मन भी होता है, बट मेन बात यह है कि वहाँ पर बड़ी ही मिलजुल करके रहना पड़ता है क्योंकि कभी कभार बातों को भुला करके आगे भी बढ़ना होता है। आयशा खान रात को स्पॉटेड होती हैं रियूनियन पार्टी में बिग बॉस 17 के सारे कंटेस्टेंट की। ऐसे में आप लोग जानते हैं इतना मुनावर से नहीं पूछा गया था आयशा से रिलेटेड क्वेश्चन जितना आयशा से पूछा गया था मुनावर से रिलेटेड क्वेश्चन। आयशा खान काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल भी रात को नज़र आ रही थी, उन्होंने ज़्यादातर मुनावर के क्वेश्चंस को किया था इग्नोर। अब आप लोग जानते हैं कि मीडिया है ज़्यादा उसी बात पर चर्चा करना पसंद करती है जो कि टॉपिक कर रहा हो इंडस्ट्री में ट्रेंड। मीडिया चाहती है कि मुनावर फारूकी पर आयशा खान एक बड़ा और खुलासा दें ताकि इन दोनों के बीच की जो भी है अब कहानी बिल्कुल ही खुलकर के सामने आ जाए, लेकिन ये दोनों सही से बात नहीं कर रहे हैं। मीडिया से घुमा फिरा कर मीडिया एक ही सवाल पूछती है और ये कर देते हैं उसे इग्नोर। मैं कहना चाहूँगा कि मीडिया को इनको साफ साफ जवाब देना चाहिए कि देखो अब इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, ना ही मैं अब इसकी शक्ल देखना चाहता हूँ, ना ही आयशा अब मेरी शक्ल देखना चाहती है। इस तरीके से आर्य पार वाला मामला अगर मीडिया को बता दिया जाए फिर मीडिया इनसे दोबारा वही क्वेश्चन रिलेटेड नहीं करेगी। अब रात को देखो ऐसे में होती हैं आयशा खान स्पॉटेड और आयशा खान से पूछा जाता है कि आप मुनावर के बारे में क्या कहना चाहेंगी, तो वो साफ साफ कहती हैं कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगी, आप प्लीज़ ये क्वेश्चन मुनावर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे मत पूछें, मुझे इसका जवाब नहीं देना। लेकिन आप जानते हैं कि मीडिया है जब तक जवाब नहीं सुन लेती जब तक बाज नहीं आएगी। फिर यही पूछा कि क्या आपको अभिषेक या फिर मुनावर के साथ अगर सॉन्ग करने का मौका मिले तो आप किसके साथ सॉन्ग करना पसंद करेंगी, तो इस बात पर भी आयशा खान ने साफ साफ कह दिया था कि मैं इसका भी जवाब सॉरी नहीं दे पाऊंगी, ना ही मैं मुनावर का नाम भी सुनना चाहती हूँ। इस रवैये से ये बात साफ साफ जाहिर होती है कि आयशा खान को नहीं पसंद है मुनावर फारूकी की शक्ल भी देखना, क्योंकि इस वीडियो में ये साफ साफ जाहिर किया है। आइए मैं आपको विद प्रूफ के साथ आयशा की असलियत दिखाता हूँ। सुनने में कहाँ से आ रहा है आपको ये बताओ पहले मुझे, ये जो आप सुन रहे हो मुझे आप याद हो बहुत अच्छे से याद हो, कहाँ से सुन रहे हो ये सब? बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि प्रोजेक्ट सुन रहे हैं आपको, अच्छी बात है ना, आपको तो खुशी होनी चाहिए। और एक फोटो भी वायरल हुआ था, पार्टी हुई थी, उस पार्टी यार गेट टुगेदर था यार, छोड़ दो यार उस टॉपिक को प्लीज। नहीं लेकिन पार्टी में क्या हुआ था पूछा? कुछ नहीं, हम सब विकी भैया जस्ट एविक्ट हुए थे तो शो से रिलेटेड, एविक्शन से रिलेटेड, एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन डे टू डे लाइफ पर। अच्छा आयशा, अगर आपको यू नो अपॉर्चुनिटी मिले दो लोगों में से किसी एक को चूज करने का फॉर म्यूजिक वीडियो एज एन अभिषेक एंड मुनावर, आप किसे चूज करोगे? आई वोंट लाइक टू आंसर दैट क्वेश्चन, एज एन आर्टिस्ट आई कैन वर्क विद एनीबॉडी, आई डोंट माइंड। I don't want to answer that question. बोल दिया ना यार, बार बार क्या यार, एक ही सवाल को बार बार। आयशा बाहर आने के बाद आप किस किस से